all rights reserved this video has been prepared for educational purposes only no part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder Hello friends, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल YouTube चैनल पे दोस्तों मैं श्रेयांश गोठारी लेके आया हूँ आप सभी के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बहुत ही शानदार किताब और उस किताब का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग यहां पे करवा रहे हैं हम एक चैप्टर को उठाते हैं चैप्टर के एक्सरसाइजेस को उठाते हैं टॉपिक के बारे में उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद उसको कंप्लीट सोल्यूशन करवाते हैं तो दोस्तों आज हम क्या लेके आए हैं सीधा लिए चलते हैं आपको वहां पे दोस्तों पार्ट वन के सेक्शन टू के थर्ड चैप्टर की बात करते हैं एक्चुअली फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं फोर्थ चैप्टर है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन दोस्तों यहां पे क्या होगा यहां पे एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे होंगे और आपको पता लगाना होगा कि सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है चलिए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पहले यहां पे हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें कि डेफिनेशन क्या है अ अ कोर्स ऑफ एक्शन इज स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इंप्रूवमेंट फॉलो अप और फर्दर एक्शन विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम पॉलिसी एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट यहां से शुरू करता हूं आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट कोई पॉलिसी या कोई प्रॉब्लम या ऐसी भैया अगर आपको ये चीज मिली तो इसके बाद क्या एक्शन लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको फोन आता है अपने मित्र का और आपसे वो पूछता है कि भैया जिस एग्जाम के लिए तूने फॉर्म फिल किया था कॉल लेटर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है उसकी वेबसाइट पे क्या करेंगे आप आप सिंपल सा एक काम करेंगे अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करके प्रिंट निकालेंगे ये आपने अगला एक्शन लिया इसे कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन हिंदी में कहते हैं कार्यवाही तो आप क्या कार्यवाही करेंगे वही वो आपसे पूछ रहा है चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम लोग उसके कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपके इसी बुक का एस चांद पब्लिकेशन की आर एस अग्रवाल के इस वर्बल वर्बल एंड नॉन रीजनिंग का एग्जाम्पल नंबर टू कर रहे हैं दोस्तों द ग्राउंड वॉटर इन द लोकैलिटी हैज बीन फाउंड टू कंटेन हाई लेवल ऑफ मेकिंग इट डेंजरस टू ड्रिंक जो ये ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर होता है ना जो जमीन के अंदर पानी है जो निकालते हैं हम लोग वो लोकैलिटी यानी स्थानीय क्षेत्र में हैज बीन फाउंड टू कंटेन हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक उसमें हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक पाया गया और ये जो आर्सेनिक है ये डेंजरस है टू ड्रिंक पानी पीने के लिए बड़ा डेंजरस है खतरे वाला है क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं आप वो देखते हैं पहला कह रहा द द पीपल लिविंग इन एरिया एरिया शुड बी शिफ्टेड टू टू अनदर अवॉइड अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन का मतलब क्या है कैटास्ट्रोफिक शब्द बनाए कैटास्ट्रोफ से और कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है बहुत बड़ी कोई आपदा या विपदा तो ये कहना चाह रहा है कि भैया आपदा या विपदा की ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए उसके लिए लोग जो उस एरिया में रहते हैं उनको किसी और लोकल एरिया दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरा क्या कह रहा है द गवर्नमेंट शुड मेक एन अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर गवर्नमेंट को सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की अरेंजमेंट भी कर देनी चाहिए यह क्वेश्चन बैंक पीओ में आ चुका है तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा तो लिए चलते हैं इसमें क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो इसका सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन में क्या दे रखा है सोल्यूशन में दे रखा है बॉस क्लियरली द कंटैमिनेशन कंटैमिनेशन का मतलब क्या कंटैमिनेशन का मतलब होता है जो पानी में गंदगी आ गई उसकी बात कर रहा है ऑफ ग्राउंड वाटर डजेंट प्रोवाइड सफिशिएंट ग्राउंड्स टू शिफ्ट पीपल टू अदर एरिया ये एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन एनफ रीजन नहीं है कि आप लोगों को शिफ्ट कर दो ऐसा तो नहीं होना चाहिए द प्रॉब्लम डिमांड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ द डेंजरस डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर एंड अरेजिंग टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वॉटर ये जो प्रॉब्लम है यह डिमांड करती है कि आप एक सिंपल सा काम कीजिए आप कुछ भी ना करिए आप लोगों को समझाइए कि भैया कंटेमिनेटेड वाटर पीने में क्या खतरे खतरों के बारे में अवेयरनेस जगाइए नंबर वन नंबर टू आप ट्राई करिए कि वहां सेफ वॉटर प्योर वॉटर किस पहुंच पाए आर्सेनिक फ्री वाटर वहां पे पहुंच पाए उसका अरेंजमेंट करिए तो दोस्तों जो सेकंड नंबर है ना हमारा वही सही कोर्स ऑफ एक्शन है पहले वाले का लेना देना नहीं है पानी हो गया तो हम पानी चेंज कर, दे। वहां चेंज कर देंगे कल वहां पानी खराब हो तो जगह चेंज करते रह जाएंगे ग्राउंड वाटर है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर क्या कह रहा है उसको समझने का कोशिश करिए A large number of employees have gone on a mass casual leave. एक बहुत बड़ी संख्या के जो employees हैं वो चले गए हैं छुट्टी पे on protest against the company's new recruitment policies. कंपनी की कोई नई, नई recruitment policy आई है और उसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं, लीव यानी छुट्टी करके छोड़ के चले गए मेरे भाई क्यों छोड़ के गए क्या छोड़ के गए वही हमें समझना है या यूं समझ लीजिए उसको मारो गोली अपने तो आगे क्या एक्शन लेना है उसकी बात करते हैं तो दोस्तों पहला एक्शन देखिए द कंपनी शुड इमिडिएटली विदड्रॉ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से हमें छोड़ देना चाहिए हटा देना चाहिए दूसरा कह रहा है ऑल दीज एंप्लॉज शुड इमिडिएटली बी सस्पेंडेड फ्रॉम देयर सर्विस और ये जितने भी सारे लोग जो अभी छोड़ के गए हैं उन्हें सस्पेंड ही कर देना चाहिए आ, देखें जरा इसका एक्चुअल आंसर बुक क्या कह रही है फिर अपन अपने विचार रखेंगे ये कहता है दोस्तों द द प्रॉब्लम इज वन ऑफ म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट यहां जो प्रॉब्लम है वो म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट की है दो अलग अलग पक्ष हैं और वो किसी ना किसी बात पर समझौता नहीं कर पा रहे कुछ डिफरेंसेस हैं उनके ओपिनियन में सो एक्सट्रीम मेजर्स आर गेटिंग रिड ऑफ द पॉलिसी और एम्प्लॉइज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एट हेल्प आप क्या कर रहे हैं एक्सट्रीम एक्शन ले रहे हैं या तो पॉलिसी हटा दो या इंसानों को हटा दो ये तो एक्सट्रीम एक्शन तो है इट कैन बेस्ट बी बाय फाइंडिंग अ पाथ म्यूचुअल टॉक्स सो पहला और दूसरा एक्शन जो वहां दे रखा है आपको बोला होता कि भैया ये एक्शन ले लो तब तो समझ आती यहां तो आपको एक्शन का नहीं बोला है यहां तो बोला है ये दो एक्शन है

वो भैया बाहर वैज्ञानिक मना रहे हैं ऐसे कुछ लोगों का एक समूह पाया गया क्या करेंगे अपन देखते हैं क्या करेंगे अपन द द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल शुड कॉन्टेक्ट दोज स्टूडेंट स्कूल के प्रिंसिपल को उन पेरेंट्स को जाके कॉन्टैक्ट करना चाहिए एंड इनफॉर्म दम विद रियल वार्निंग फॉर द फ्यूचर और उनको एकदम रियल वार्निंग कि भैया फ्यूचर में ऐसा ना हो उसकी वार्निंग दे देनी चाहिए दूसरा कह रहा है सम डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दो फॉर द द अवेयरनेस ऑफ ऑल अदर सोचिए जरा दोनों दोस्तों हम एक बात कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को उनको तो एक जो जो जो, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको बता देना चाहिए कि बॉस ये ऐसा हुआ है और अगली बार ऐसा ना हो उसका आप विशेष ध्यान रखें ऐसा पेरेंट्स को बता देना चाहिए क्यों भैया आज आपने मान लो आई गई कर दी बात कल कुछ और बड़ा एक्शन लेंगे फिर पेरेंट्स आपको पूछेंगे कि आपको पहले क्यों नहीं बताया आपने सो पहला वाला एक्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे दूसरा क्या कह रहा है दूसरा यह कह रहा है कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए मैं बोलता हूं हंड्रेड परसेंट मिलनी चाहिए गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए जिससे कि अगली बार वो गलती ना करे और उस सजा से बाकी लोगों को भी शिक्षा मिल जाएगी ऐसा करने से गलती है तो सजा मिलती है यानी कि दोनों ही सही लग रहे हैं आर आरबी में रखा है देखते हैं ये क्या कहता है दोस्तों क्लियरली सच स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु बंक स्कूल्स शुड बी पनिश सो दैट अदर नॉट इन द सेम भैया उनको पनिश करोगे तो दूसरे बच्चे नहीं डल होंगे अगली बार बच्चों को वो फ्री नहीं करेंगे उनके भी हाथ में कमान रखेंगे सो so, दोनों ही एक्शन एकदम अप्रोप्रिएट है चलिए लिए चलते हैं हम और आगे और अब आ जाती है एक्सरसाइज फोर ए फोर ए यानी पहली एक्सरसाइज है चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा फोर ए एक्सरसाइज है और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया मेनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आर टेकिंग अप जॉब इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऐसा होता आया ऐसा हो रहा है दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है इंजीनियर है वो मेडिकल कर रही doctors है डॉक्टर्स हैं वो लेकिन वो उसको छोड़ छाड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स बैंक जॉब्स ले रहे हैं ऐसा तो बहुत सारी जगह पे आपको भी नजर आ रहा होगा आप में से भी कुछ इंजीनियर्स होंगे जो बैंकिंग की तैयारी के लिए सोच रहे होंगे क्या करना चाहिए क्या एक्शन लेना चाहिए वो देखते हैं हम ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप जॉब्स हर तरह के को ऐसी एडवाइस देनी चाहिए कि भैया आप ना करो पहली बात तो क्या वो एडवाइस मानने वाले हैं और दूसरा आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले वो अपने फ्यूचर के खुद स्वयं डिसाइडर्स हैं वो खुद डिसाइड कर लेंगे ना आपका थोड़ी कहना मानेंगे पहला वाला तो जो है सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है दूसरा वाला क्या है दोस्तों द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी टू फाइंड आउट द रीजन फॉर टेकिंग अप सब एंड टू सजेस्ट मेजर्स दोनल सीधी बात है यार सरकार को कमिटी गठित करनी चाहिए और वो कमिटी पता लगाए फाइंड करे कि ऐसा क्यों हो रहा है इंजीनियर इंजीनियर अपनी जॉब को छोड़ के वहां क्यों जा रहा है और क्या रेमेडी हो सकती है व्हाट इज रेमेडी रेमेडी का मतलब उपचार उपचार क्या हो सकता है वही पता करना है सो so, डेफिनेटली इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट भी सही है नहीं फर्स्ट गलत है केवल सेकंड सही है ओनली सेकंड इज करेक्ट चलिए और आगे लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव आ गया है आपके पास एक्सरसाइज वही है फोर ए देखिए जरा ये क्या कह रहे हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज इंक्रीज इन द इंडिजिनस मार्केट and so the demand for indigenous fruits has been a decreased क्या मतलब है ये ये कहना चाह रहा है दोस्त कि जो imported fruits हैं जो बाहर से आयातित फल हैं जो बाहर से आयात किए हमने उन फलों की अवेलेबिलिटी जो है वो आपके लोकल मार्केट में बढ़ गई है लोकल मार्केट में बढ़ गई है indigenous मार्केट indigenous मार्केट का मतलब स्थानीय मार्केट लोकल मार्केट नेटिव मार्केट देश का मार्केट वहां पे बढ़ गई है सो द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट जो आपके स्थानीय फ्रूट है उनकी डिमांड भी घट गई है मेरे भाई ऐसा हो जाता है कई बार अब ऐसा अगर हो जाता है क्या एक्शन लेंगे आप पहला कह रहा है टू हेल्प द इंडिजिन गवर्नमेंट शुड इंपोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट इवन इफ दीज आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी तो उसने आगे बहुत क्लियरली बता दिया कि भैया मुझे रॉन्ग कर देना मैं राइट तो नहीं हूं पहली बात तो बिना मतलब की इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ चलो वो तो फिर भी अपने देश को बचाने के लिए कभी कभी ऐसा अपनाना पड़ता है बट अपने देश के गुड क्वालिटी के नहीं हो फिर भी अरे वाय ऐसा क्यों करेंगे हम पहला बिल्कुल गलत एक्शन है दूसरा द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट वुड बी इंक्रीज फ्रूट वेंडर्स को बोल दो मेरे भाई कि तुम्हें तो बेचने ही नहीं है इंपोर्टेड फ्रूट्स तुम्हें तो अपने लोकल वाले ही बेचने हैं अब लोकल वाले ही बेचो आप कंपटीशन से डरते क्यों हैं आप अपनी प्लानिंग करें चीजों को इंप्रूव करें कंपटीशन हेल्दी बनाएं ना कि ये बिना मतलब की बातें करें सो so, मेरा पर्सनली मानना है दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही एक्शन गलत है लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन फोर ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है क्या कह रहा है देखिए ये कह रहा है ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद सेलिंग चीप आइटम्स एक बहुत ही बिजी रोड है या ऐसी बहुत सारी व्यस्त रोड हैं और उन पे जो फुटपाथ बने हुए ना वहां सस्ते आइटम बेचने वालों से वेंडर्स भरे पड़े तो अब क्या करना चाहिए मेरे भाई पहला कहता है हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी सॉट टू ड्राइव दैम अवे पुलिस की सहायता लेकर उनको भैया खदेड़ देना चाहिए पुलिस की सहायता लेकर उनको वहां से हटा देना चाहिए सेकंड एक्शन कह रहा है सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ उन्हें कुछ अलग से स्पेशल जगह देनी चाहिए जिससे कि वे लोग अपनी कमाई कर सकें और लोगों का रास्ता भी ना रोकें देखो दोस्तों एक बात तो कंफर्म है हमारा जो भी जो भी एक्शन हो वो इकोनॉमिक होना चाहिए और सोशियो होना चाहिए ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण वाला होना चाहिए लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आपका एक एक्शन पचास लोगों की नौकरी ले ले ऐसा नहीं होना चाहिए तो सेकंड वाला तो सोशियो इकोनॉमिक दोनों ही दृष्टि से अच्छा है समाज के कुछ लोग अच्छी जगह समाज मतलब देश के कुछ लोग अच्छी जगह पे जाके पैसा कमा सके तो ये अच्छा है सेकंड एक्शन तो होना ही चाहिए अब जरा सोचिए पहले वाले एक्शन के बारे में आप सोचिए जरा फुटपाथ जो है ना वो किसके लिए बने होते हैं फुटपाथ बने होते हैं लोगों के चलने के लिए और लोगों के चलने के लिए अगर बने हैं और वहां पे वेंडर्स सस्ते आइटम बेच रहे तो कैसे काम चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा तो जब वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो हमें क्या ध्यान रखना है हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला जो है वो होगा कि नहीं होगा अभी देखते हैं क्या आपको ये कहा जा रहा है कि आप डंडा लेके उनके पीछे पड़ जाइए उनको खदेड़ भगाइए नहीं जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो मूरख बाजे भाई आपको नहीं कहा है ना डंडा लेके आप पुलिस की सहायता ले रहे हो और फुटपाथ पे सामान बेचना भी गलत है तो गलत क्या है कल आपके घर पे चोरी करेगा कोई नहीं नहीं यार उसका पेट भर रहा है नहीं बॉस जो गलत है वो गलत है सही नहीं हो सकता सो पहला वाला बिल्कुल सही है मतलब पहले वाले के एक्शन में ये क्लियर है कि आपको पुलिस की सहायता से उनको हटा देना चाहिए अपनी पे सही है। उनको भगा के वो जाएंगे अपनी अपनी कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर ओनली सेकंड कर लेते फर्स्ट की जरूरत क्या वाले लोगों को हटा दो दिया कल नए लोग आ जाएंगे फिर क्या करोगे आपको वहां तो डंडा दिखाना ही पड़ेगा पुलिस का यानी दोनों ही एक्शन सही एक्शन है चलिए दोस्तों लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए फोर ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपके सामने देखिए क्या कहता है ये कहता है स्टेटमेंट में एज स्टेटेड इन द रीसेंट सेंसस रिपोर्ट जैसा कि रीसेंट सेंसस सेंसस यानी क्या जनगणना जो आप पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हो उसकी बात हो रही है फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो ये तो हम बहुत बहुत सालों से कहते आए हैं कि फीमेल टू मेल रेशियो बहुत कम है बहुत सारे मेल के सामने फीमेल बहुत कम है और ये बहुत ही अलार्मिंग लो है यानी बहुत ज्यादा कम है ऐसा जो हाल ही में जनगणना हुई है उससे पता चला है द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट मतलब यही काम कराते जाओ पहले तो बहुत सारा समय और पैसा लग के इन्वेस्ट करके आपने जनगणना कराई सेंसस कराया फिर कहा कि भैया एक बार और चेक करो काहे को चेक करें यार उसने आया है ना पहला वाला तो सरासर गलत है मेरे भाई, दूसरा, दोस्तों हमें करना ही पड़ेगा आपको पता है लिंग भेद बहुत ज्यादा है आपको पता होगा कन्या भ्रूण हतरा बहुत सारा चल रही है तो इन सारों के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए हर डिपार्टमेंट को इसको आपको अवेयर करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाइए और अवेयरनेस डेफिनेटली रंग लेके आती है तो सेकंड वाला करेक्शन सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन तो सही है पहला वाला अजीब था वो नहीं होगा यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का आंसर हो जाएगा बिफो बॉम्बे लिए चलते हैं दोस्तों एक और प्यारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आया है एक्सरसाइज वही है टू ये कह रहा है दोस्त फोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट यानी आपके राज्य के चार जिले जो हैं हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर ड्रॉट फॉर लास्ट थ्री इयर्स पिछले तीन वर्षों से तीन वर्षों से आगे okay. तीन वर्षों से सीवियर ड्रॉट यानी भयंकर सूखा वहां पे है अब आगे क्या कह रहा है रिजल्टिंग इन टू एक्सोडास क्या होता है एक्सोडस का मतलब होता है देश निकाला बाहर निकाला बहुत सारे लोगों का एक साथ पलायन कर जाना एक जगह से दूसरे के मूव कर जाना तो ये हो रहा है कि इन जिलों से बहुत ज्यादा लोगों का पिछले तीन वर्षों से सूखा पड़े होने के कारण बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं जगह छोड़ के जा रहे हैं भाई क्या करना चाहिए पहला द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट टू द एक्सोडस सूखा है खाने को नहीं है पीने को नहीं है तो पहला काम तो यह होना चाहिए कि जो आदमी को चाहिए वैसा उसको काम दो बहुत क्लियर कहा ना वो एक वो आया था कि आ, काम के बदले अनाज ऐसा कुछ आया था वैसा ही कुछ यहाँ पे होना चाहिए गवर्नमेंट शुड स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आप अगर कार्य करेंगे आपको भोजन मिलेगा पहला वाला तो बिल्कुल ठीक लग रहा है दूसरा द गवर्नमेंट शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर टू दीज डिस्ट्रिक्ट दोस्तों दोनों ही सही लग रहे हैं हमें ऐसी स्थिति आ चुकी है लोग पलायन करना चाह चुके हैं दैट अभी बहुत भयंकर गंभीर स्थिति है तो आपको अगर लग रहा है ऐसा और भी कोई कार्य जो अच्छा होगा वो जरूर करना है ये दोनों प्रयास तो करने ही करने हैं दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या कह रहा है थर्टी थ्री कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है इज द इनरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटीरियल रॉ मटेरियल का इरेगुलर सप्लाई हो रहा है द प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल आर नॉट गेटिंग रिजनेबल प्राइस और इस कारण से जो प्रोड्यूसर है रॉ मेडल जो बना रहे हैं भाई उनको प्राइस नहीं मिल रहा और इधर सप्लाई इेगुलर हो रही है बड़ा मुश्किल हो रहा है मामला तो क्या करना चाहिए जरा देखते हैं द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मेडल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो दूसरी इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्रीज में भी आपको रेगुलेशन करना चाहिए कि भैया रॉ मेडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है

अच्छी चीजें नहीं करनी है सही क्या है वो करनी है यानी पहला वाला तो नहीं है सही दूसरा देखते हैं द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ टू द फूड यस अरे भाई सरकार का काम क्या है समय समय पर पर जरूरत पड़ने पैकेजेस देते रहे जिससे कि सही चीज को सही जगह से सही सही तरीके से आगे पहुंचाया जा सके यानी सेकंड वाला बिल्कुल सही है पहला वाला निराधार है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड ओनली ओनली सेकंड चलिए दोस्तों हमें तो आगे बढ़ना है एक और क्वेश्चन लेना है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वही है फोर ए जरा देखें ये क्या कह रहा है देयर हैज बीन एन अनप्रेसीडेंटेड इंक्रीज अनप्रेसिडेंटेड जैसा पहले कभी नहीं हुआ अद्वितीय ऐसा क्या हुआ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आई है बहुत सारी है। क्या तीस की रिक्वेस्ट आई है फॉर बर्थ इन द मोस्ट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ड्यूरिंग द करंट हॉलीडे सीजन भैया अभी हॉलीडे लगा है शायद कोरोना के बाद का क्वेश्चन होगा भैया अभी कोरोना लगा है और कोरोना खत्म हुआ है और लोगों को बाहर जाना है जो भी लॉन्ग रनिंग ट्रेन है ना उसमें तो भारी भड़कम भीड़ है मतलब लोगों की भयंकर डिमांड है अनप्रेसिडेंटेड पहले जितनी कभी नहीं थी वैसी डिमांड है पहला क्या कह रहा है द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली इंक्रीज द कैपेसिटी इन ईच ऑफ द ट्रेन बाय अटैचिंग एडिशनल कोचेज जो कि पॉसिबल है करना चाहिए करते भी हैं आप वो करेंगे तो दो फायदे लोगों को फायदा मिलेगा कि लोग अपने समय पे जा सकेंगे दुआएं देंगे इंडियन रेलवे को और दूसरा लोग जाएंगे तो पैसा देके जाएंगे फ्री में तो जाएंगे नहीं यानी पहला वाला एक्शन तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सेकंड कह रहा है द पीपल सिकिंग अकोमोडेशन शुड बी एडवाइज टू तो मेक दर ट्रेवल प्लान आफ्टर द हॉलीडे उनको बोलो भैया अभी हॉलीडे में ना जाए बाद में चले जा रहे काहे को मुझे हॉलीडे में जाना है तुम ट्रेन नहीं दोगे किसी और से जाऊंगा मैं जाऊंगा तुम लेके जा रहे हो क्या ये पूछ रहा है यानी कुल मिला के सेकेंड वाला है बेकार है वेग है पहला वाला परफेक्ट है यानी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा वन यानी ओनली फर्स्ट फॉलो तो यहां हमने देखा दोस्तों एक एक्सरसाइज देखी बहुत आराम से देखी एक एक क्वेश्चन को आराम से देखा इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज सेकेंड आ गई है दैट इज फोर बी लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जो फोर बी एक्सरसाइज रहेगा

तो ये दोनों तरफ डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल का मतलब क्या डेट्रीमेंटल का मतलब है बुरा प्रभाव डालता है कैसे कोर्स ऑफ एक्शन अब आप क्या एक्शन लेंगे क्या उसके बाद एक्शन लेना चाहेंगे पहला कह रहा है रूरल पोस्टिंग्स मस्ट बी मेड मैंडेटरी जो रूरल पोस्टिंग्स हैं वो मैंडेटरी बना देनी चाहिए यानी ऐसा हो ही हो ऐसा सुनिश्चित कर लेना चाहिए यानी कंपलसरी कर लेना चाहिए सेकंड कह रहा है देर शुड बी फ्यूअर ट्रेन लिंकिंग सिटीज टू स्मॉलर प्लेज सिटीज से छोटे छोटे शहरों मतलब छोटी जगहों को कनेक्ट करने के लिए लिंक करने के लिए ट्रेन कम होनी चाहिए और तीसरा कह रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम शुड बी लॉन्च इन रूरल एरियाज रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों के अंदर जो आ, किस तरह से किसी को जॉब दे सके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके इस तरह की कोई स्कीम वहाँ पर लॉन्च होनी चाहिए दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि हम थर्ड को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम तो बहुत जरूरी है वहां पे एम्प्लॉयमेंट होना ही चाहिए सेकंड कह रहा है देर शुड बी फ्यूअर ट्रेन अब ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बात है डेवलपिंग के लिए वापस उल्टा स्लोप वाली बात है कि भैया आप एक काम करो शहरों के अंदर रहो छोटे गांवों को बिल्कुल जो है लिंक कम कर दो तो छोटे वाले को जब ही नहीं मिल पाएगी तो वो आ नहीं पाएगा मतलब मुझे ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जहां जैसकी जैसी पोस्टिंग होगी वैसा वहां पे होगा कंपलसरी आप वहां नहीं कर सकते सो ओनली थर्ड इज राइट सो देखिये इसमें कोई ऑप्शन है क्या ओनली थर्ड देखिए सी में लिखा है थर्ड इज राइट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं फोर बी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है जरा देखें हम हैज बीन अनअप्रिसिडेंटेड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज ड्यू टू द स्ट्राइक कॉल गिवेन बाय ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर दी है हड़ताल कर दी है और उस कारण से पिछले कुछ दिनों में जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरत के सामान हैं उन सामानों की प्राइस एकदम से हाई हो गई है अनप्रिसिडेंटेड यानी कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ उतनी हाई हो गई है देखते हैं दोस्तों कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास तीन कोर्स ऑफ एक्शन है देखते हैं कौन कौन सा करेंगे हम पहला कह रहे थे ट्रांसपोर्टर्स एज एसोसिएशन शुड बी ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली इमिडिएटली स्ट्राइक कॉल एंड एल्स दे विल फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसिस दोस्तों ये तो करना ही पड़ेगा सरकार को बहुत इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा उनको बोलना पड़ेगा कि भैया ये हड़ताल हटा दो नहीं तो इसके बहुत बुरे प्रभाव आप झेलने वाले हैं तो पहला तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है दूसरा क्या था गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज इन द मार्केट ये सेकंड वाला भी सही है आपको ऐसे माध्यम ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि आप आ, लोगों तक मार्केट तक पहुंचा सकें एसेंशियल कॉम्योडिटीज यानी ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे और तीसरा कह रहा है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली डिक्लेयर द स्ट्राइक इीगल एंड पुट ऑल दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्राइक बिहाइंड द बार्स ये बड़ा रॉन्ग हो जाएगा आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्राइक इलीगल है और अब सबको जेल में डाल दो नहीं ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पहली बात तो स्ट्राइक इलीगल नहीं है स्ट्राइक तो अपने हक की लड़ाई है राइट सो थर्ड तो नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा जरा देखें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या लीजिए साहब ए दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज आप उनको ये बोल सकते हो कि भैया हड़ताल वापस ले लो नहीं तो हम एक्शन लेने वाले हैं ऐसा कुछ भी डराया धमकाया जा सकता है चलिए आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मैट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है एक्सरसाइज वही है आपकी फोर बी जरा चेक करते हैं क्या आंसर होगा पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग बिकॉज द पीपल हु आर डिसाइडिंग हाउ टू टैकल इट नोन नथिंग अबाउट द पुअर सिंपल बात कह रहा है मेरे भाई कि अगर जो गरीबी है ना ये इसलिए बढ़ती जा रही है कि गरीबी के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं वो तो जानते ही नहीं है कि भैया गरीबी क्या है उन्होंने कभी देखी नहीं गरीबी देखो क्या कहता है ये पहला कहता है द डिसीजन मेकर शुड गो टू द ग्रास रूट लेवल्स जो डिसीजन हैं जो जो ये जो ये पॉलिसी बना रहे हैं उन्हें ग्रास रूट लेवल तक जाने की जरूरत है दूसरा कह रहा है द डिसीजन मेकर्स शुड कम फ्रॉम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहना चाह रहा है भाई कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो पुअर सेक्शन से होने चाहिए मतलब गरीबों के लिए अगर नियम बनाने हैं तो उस इंसान को भी गरीब होना चाहिए देखिए गरीब होना चाहिए ये एक पॉइंट है कि शायद वो अपनी बात को समझ पाए लेकिन वो उतना एलिजिबल भी तो होना चाहिए तो आप ये नियम नहीं बना सकते कि वो हमेशा गरीब ही होना चाहिए और तीसरा अ न्यू सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकर शुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन एक नया सेट ऑफ तो पीपल आ जाना चाहिए पुराने को रिप्लेस कर देना चाहिए अभी आपने एक्चुअल में काम नहीं किया क्यों नहीं किया दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि डिसीजन मेकर्स को रिप्लेस कर दो भाई रिप्लेस कर दोगे जो नए आएंगे वो भी वैसे ही आएंगे कि नहीं आएंगे वो सुनिश्चित तो किया ही नहीं हमने सो so, मुझे लगता है दोस्तों सेकेंड एंड थर्ड तो, तो डेफिनेटली रॉन्ग है पहले वाला सही है ग्रास रूट लेवल पे जाके देखे ग्रास रूट लेवल का मतलब है नीचे तप्पे पे जाके देखे समझेगी प्रॉब्लम क्या है वहां जाएगा समझेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेगा तो उनके लिए बेहतर पॉलिसी बना पाएगा यानी ओनली फर्स्ट फॉलोज़ देखे दोस्तों ओनली फर्स्ट फॉलोज़ लिखा हुआ है और वही सही है क्योंकि बाकी दोनों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई चलिए आगे लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे

क्यूँ ना सभी को आ, वो दे दिया जाए क्या दे दिया जाए ब्रेकफास्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स सभी को दे दिया जाए ऐसा ये कहना चाह रहे हैं फ्री ब्रेकफास्ट वो भी पहला कह रहा है दोस्तों द स्कूल विल हैव टू एडमिट मेनी पुअर स्टूडेंट्स हु विल सीक एडमिशन फॉर नेक्स्ट अकेडमी ये बड़ी अजीब सी बात कह रहा है ये कह रहा है कि भैया स्कूल को तो बहुत सारे गरीब बच्चों को लेना अरे गरीब बच्चे सिर्फ नाश्ता करने स्कूल नहीं आएंगे स्कूल में पढ़ने आएंगे और स्कूल की फीस तो है नाश्ता फ्री है स्कूल फ्री नहीं है पहला वाला तो बिल्कुल

तो आप खुद को कैपेबल बनाएंगे आप फंड रेस करेंगे तो यह काम हो जाएगा सो मेरा मानना है दोस्तों सेकेंड एंड थर्ड को फॉलो करना पड़ेगा सो यहां देखिए ऑप्शन है सी नंबर पे सेकेंड एंड थर्ड फॉलो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है आपका एक्सरसाइज वही है फोर बी ये कहना चाह रहा है दोस्तों ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बॉन्डेड लेबर्स लेबरर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया फ्री किया गया लेकिन उनका रिहाबिलेशन नहीं हुआ पुनरुत्थान नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे आप रिहेबिलेशन हुआ नहीं है फ्री आप कर चुके और ये करीब ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बहुत बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूर जिसे हम कहते हैं बॉन्डेड लेबर्स हमें कहते हैं पहला कह रहा है मोर कैसे केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर्स शुड बी आइडेंटिफाई और ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई करने चाहिए दोस्तों अभी ये कोर्स ऑफ एक्शन की बात नहीं हो रही है क्योंकि यहां पे हमारा

इम्पेडिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं रुकावटें तो अगर जो रिहेबिलेशन के बीच में आ रही रुकावटें हैं क्यों उन्हें रिहेबिलेशन नहीं मिला है क्यों उनका पुनर्वास नहीं हुआ है उसको चेक करना चाहिए उसमें जो जो बीच के रास्ते के रोड़े हैं कटे कांडे उन्हें हटाना चाहिए यह सही कोर्स ऑफ एक्शन है सो ओनली थर्ड फॉलो ऐसा मेरा ऑप्शन मानता हूं तो दोस्तों डी पे लिखा हुआ है ओनली थर्ड फॉलो समझ आना चाहिए आपको कि क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं फोर बी में ही क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ध्यान से देखेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और दोस्तों मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन वो थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपको यह ध्यान रखना है कि कोर्स ऑफ एक्शन में अप्रोच क्या रखनी है ये सबसे ज्यादा जरूरी है द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिपोर्टेड दैट सिवियर स्टॉम इज लाइकली टू हिट दिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स अगले अड़तालीस घंटे में एक बहुत ही सिवियर स्टॉम भारी तूफान जो है गंभीर तूफान जो है वो एक शहर में आने वाला है तो अब सिविक अथॉरिटी क्या करेगी क्या एक्शन लेगी दोस्तों पहला कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन शुड एडवाइज ऑल द बिजनेस एंड एजुकेशनलिशमेंट टू क्लोज डाउन फॉर टू डेज ऐसा होता भी है होना चाहिए भी भैया अगर कोई बीच भंवर में फंस गया तो भैया वो फंस जाएगा शायद दो दिन का बिजनेस नहीं करेगा तो चलेगा लेकिन आगे की जिंदगी के लिए उनको दो दिन घर पे रहना चाहिए बिल्कुल सही है पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट मेक द इंफॉर्मेशन पब्लिक एज इट कुड क्रिएट पैनिक अमंग द रेजिडेंट ऑफ ये तो बिल्कुल ही बेकार की सलाह है आप कह रहे हो कि भैया इस तरह की जो बातें हैं उन्हें पब्लिक में नहीं बताना चाहिए जिससे कि लोग पैनिक ना हो देखिए दोस्तों तरीके होने चाहिए बताने के आप कोई अफवाह नहीं फैला रहे हो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऐसा कहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी अगर आपने अभी लोगों को नहीं बताई और लोग लापरवाह रहे तो फिर कैसे काम होगा और उस समय जो हानि होगी उसका भर, हर जाना कौन भरेगा सेकेंड वाला बिल्कुल गलत है तीसरा कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्टिवेट एक्टिवेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम टू टैकल एनी पॉसिबल इमरजेंसी सिचुएशन यस दोस्तों ये बिल्कुल सही है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन आए उसको टैकल करने के लिए उसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए यानी थर्ड बिल्कुल सही है फर्स्ट बिल्कुल सही था फर्स्ट एंड थर्ड ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है डी में तो वह हमारा आंसर हो गया तो दोस्तों इसी तरीके की अप्रोच अपनानी है चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग ये कह रहा है दोस्तों द डिप्टी मेयर ऑफ सिटी जेड हैज प्रपोज टू इंस्टॉल प्लांट ऑफ मिनरल वॉटर एंड टू सप्लाई सिटीजन मिनरल वॉटर बोटल जो है, वो में बेचते हैं। तो म्यूनिसन uh, ने ऐसा सोचा क्यों ना मेरे भाई इसको छह रुपए में बेचा जाए ऐसी एक बोटलिंग प्लांट मिनरल वॉटर प्लांट लगाया जाए तो देखते दोस्तों इसके क्या है पहला कह रहा है लोकल प्राइवेट कंपनी ऑफ सिटी जेड विल है ऑपरेशन जो लोकल कंपनी है प्राइवेट वाली उन्हें बंद करना पड़ेगा दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता सरकारी काम अपनी जगह पे चलता है प्राइवेट काम अपनी जगह पे चलता है जियो के आ जाने के बाद बीएसएनएल बंद नहीं हुआ या बीएसएनएल के आ जाने के बाद जियो बंद नहीं हुआ या एयरटेल बंद नहीं हुआ दोनों का एक दूसरे पर बंद होने का कोई इंपैक्ट नहीं है यानी कि फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग है कॉर्पोरेशन ऑफ सिटीज एड विल है लॉसेज इन दिस प्रोजेक्ट इन इट्स बजट दोस्तों पहली बात तो लॉसेज होंगे या नहीं होंगे ये हमें कैसे मालूम हम कैसे कह सकते हैं देखिये लॉस निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए दट इज वन इज कॉस्ट प्राइस एंड अदर इज सेलिंग प्राइस दोस्तों इस क्वेश्चन में अभी तक जो दो प्राइसेस दे रखे हैं वो दोनों ही सेलिंग प्राइसेज हैं कॉस्ट प्राइस तो मालूम ही नहीं है और जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है लॉसेज का नहीं मालूम है लॉसेस का नहीं मालूम है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो तो लॉस ही होगा क्या पता प्रॉफिट हो क्या पता नो प्रॉफिट नो लॉस हो डोंट नो तीसरा कह रहा है टैप वाटर स्कीम ऑफ सिटी जेड विल हैव टू बी स्टॉप्ड टैप वाटर को रोकना पड़ेगा भैया ऐसा है मिनरल वाटर से नहाएंगे धोएंगे नहीं टैप वाटर अपनी जगह पे है बाकी चीजें अपनी जगह पे तो उसको काहे को रोका जाएगा तो ये भी बिल्कुल गलत है मुझे मानता हूं दोस्तों तीनों ही गलत है तो इसका आंसर ई फॉर एलिफेंट यानी नन ऑफ दीज आ जाएगा ये इसका सही आंसर होगा चलिए दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम इस चैप्टर को भी सलाह करते हैं कि मना हो जाए देखिए दोस्तों कोर्स ऑफ एक्शन का सिंपल सा मीनिंग था आप क्या एक्शन लेंगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने आपको बहुत सारी चीजें साथ में बताई चीजें इतनी हैं कि आप समझते चले जाइए क्वेश्चंस इस बुक में इतने सारे हैं कि आप करते चले जाइए एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए समझिए और उसका सोल्यूशन भी दे रखा है पीछे बुक में सो एवरीथिंग इज देयर आपको बस एक सही अप्रोच सही दिशा यानी डायरेक्शन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन करते हैं बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर करिए अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पीपल रिजाइडिंग इन सम्राइबल एरियाज आर फार फ्रॉम एजुकेशन जो ये ट्राइबल एरिया है ये जाति जनजाति वाला जो एरिया है अनुसूचित जाति जनजाति अन इस छोटे से एरिया के अंदर इस जो पिछड़ा हुआ तबका है उसके अंदर एजुकेशन को जो है ना वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है मतलब वो लोग और एजुकेशन बहुत दूर दूर है शिक्षा से बहुत दूर हैं वो लोग गवर्नमेंट शुड रेंडर ऑल हेल्प टू एन जी ओज टू ओपन स्कूल देयर यस एनजीओज को उनको मदद करनी चाहिए हेल्प करनी चाहिए जिससे कि वहाँ स्कूल खुल सके बिल्कुल सही है पहला वाला अ मास अवेयरनेस प्रोग्राम मजबी इनिशिएटेड इन दीज एरियाज मास अवेयरनेस प्रोग्राम की इनिशिएशन होनी चाहिए वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम जगाने चाहिए लोगों को बताना चाहिए एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ाना चाहिए तीसरा दोशल वर्कर्स शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एजुकेटिंग दैम सोशल वर्कर शुड बी इंटरेस्टेड दोस्तों ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है हमें कि शो, सोशल वर्कर्स जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उन्हें वहां पे ये काम दे देना चाहिए बट वो दोस्तों बहुत लंबे टर्म तक नहीं जाएगा पहले वाले में स्कूल खोलने का बोला स्कूल एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सोशल वर्कर आ जाएंगे कल नहीं जाएंगे परसों जाएंगे फिर कब जाएंगे या वो अपना काम उस तरीके से नहीं लंबे टर्म तक कर पाएंगे तो दोस्तों ये हम नहीं कह सकते अच्छा है बट मुझे लगता है क्वेश्चन के अनुरूप नहीं है सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड जैसा कोई ऑप्शन है ए ऑप्शन है हमारा तो दोस्तों इस तरीके से हमें यह देखना है कि क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखे किसे रिजेक्ट करना है और कौन सी बात ध्यान रखने किसे राइट right करना है तो यहां पे आज का वीडियो समाप्त होता है अगले चैप्टर के लिए अगला वीडियो देखेंगे थैंक यू एंड टेक केयर